सत्य की प्राप्ति का मार्ग है प्राणायाम। ऐसे नहीं रोड पढ़ लिया सत्य का साक्षात्कार हुआ ही नहीं पूरी जिंदगी होगी। ओम 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 स्वम ओम जनम तप ओम सत्यम ओम ऋतंस सत्यं जाभिदा तपसाध्य जाय तत। रोज मंत्र पढ़ रहे हैं। अरे भाई एक एक मंत्र में जो लिखा है वो प्राप्त होना चाहिए। भूह प्राण से क्या होगा, ये प्राण भुआ दुखों को दूर करने वाला है, भुआ स्व ये प्राण सुख को देने वाला है, महा आपके जीवन में विराट तान आने वाला है, जन आपके भीतर अलौकिक शक्तियों को जन्म देने वाला है, तप आपके जीवन के भीतर ऐसा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तप है, सर्वश्रेष्ठ तप है और आपके शरीर को मन को आत्मा को चित्त को चेतना को पूरी तरह से शुद्ध करने वाला है और आपको परम सत्य तक लेकर के जाने वाला है। अरे प्राण को तो अंत में ब्रह्म ही कह दिया गया, प्राणो ब्रह्मेति भी जाना है। हाँ तो ये प्राणायाम को सामान्य विद्या मत मानना, ये प्राण विद्या ब्रह्म विद्या है। ये प्राण विद्या क्या है बोलो, ब्रह्म विद्या है। प्राणो ब्रह्मेति भी जाना, प्राण माँ है, प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण सखा, प्राणस्तव आचार्य, प्राण ही तेरा आचार्य, प्राणो ब्राह्मणित, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणित। अरे प्राण में बड़ी अद्भुत शक्ति, ये पूरा आप अलग अलग दिन मुझसे सुनते, आज मुझे आज बहुत कुछ और भी नया सुना के जाना है और आपको प्राणायाम करने का व्रत भी दिला करके जाना है। एक अच्छी आदत आपके पूरे जीवन को संवार देती है और एक बुरी आदत, नशे की बुरी आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, या गुस्सा करने की आदत हो, वासना की आदत हो, आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। एक अच्छी आदत योग करने की, यज्ञ करने की, स्वाध्याय करने की, सत्संग करने की, एक अच्छी आदत आपके पूरे जीवन को संवार देगी और एक बुरी आदत आपके पूरे जीवन को बिगाड़ देगी। आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि कुछ भी हो जाए हमें कम से कम 10 मिनट प्राणायाम जरूर करना। बोलो सब संकल्प लेके जाएंगे ना, कितने लोग संकल्प लेके जाएंगे, जो संकल्प नहीं लेके जाएंगे वो आर्य पुत्र ऋषि पुत्र नहीं है, राक्षस पुत्र होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके रोज 10 मिनट योग बोलो तो करेंगे, बोलो तो करेंगे। खड़े वालों ने भी संकल्प ले लिया है, मंच वालों ने भी लिया कि नहीं लिया, ये बहुत जरूरी है। हाँ योग करेंगे शरीर मन बुद्धि शुद्ध हो गई, रज शुद्ध हो गया, वो बद्ध हो गया। अरे हम सब अमृत पुत्र ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, ये तो बस थोड़ा सा अज्ञान, थोड़ी सी वासनाएं, थोड़ा सा अंधेरा है, ये मिट जाए तो हर एक मानव के भीतर महामानव बैठा। हाँ हम सबके भीतर ऋषियों की जीन्स है, बस वो थोड़ा सा बीच में कचरा आ गया, दर्पण के ऊपर मैल आ गया, उससे अपने शुद्ध स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। सुनो ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, ऋषिदानंद नोली आदि यही भी जानते थे। नोली क्या है, श्वास को बाहर छोड़ के और बाहर रोक देते हैं और फिर पेट को बीच से ढीला छोड़ते हैं और ऐसे गोल घुमा देते हैं, देखो कैसे। भी घुमाओगे ना, बोलो बाबा जी हमारा तो अभी पीछे से घूमेगा, आगे से तो अभी निकला ही नहीं बाबा, ट्रैफिक जाम है पूरा, छेड़ा पूरा भरा हुआ है। बहुत अच्छा, आप लोगों को ये शरीर जब मोटा मोटा हो जाता खराब नहीं लगता,
बोले बाबा जी कपड़े से ढक के रखते हैं। अरे बाथरूम में तो देखते होगे, जब नहाते होगे तो आप पांच पांच किलो के इधर इधर एक्स्ट्रा जो नॉर्मल होना चाहिए होता है ये सब बड़ा बड़ा खराब करके रखते हैं सारे शरीर को। वेट नहीं बढ़ा होना चाहिए, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल एवरीथिंग सब कुछ एकदम बैलेंस रहना चाहिए। योग करोगे ना सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा। ये रोग क्या है? रोगों से डरे हुए बीपी शुगर स्ट्रेस थायराइड अस्थमा और इधर तो बहुत ज्यादा बीमारी है। कल भाई प्रतपाल जी ने कहा बाबा जी कुछ लोग आपका आशीर्वाद लेंगे, मैंने कहा बुला लो। सैकड़ों लोग आ गए, सब एक ही शिकायत, बाबा गैस बनता है गैस बनता है। यहां पर भी मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को बोलो गैस बनता है ना, अरे बोलो तो हाँ बनता है गैस, ऊपर से भी निकलता है, पेट में गैस होता है ना ऊपर, यहां गैस होता है एक तो ऊपर से निकलता है और बात से तो फिर नीचे से भी फायरिंग करते रहते हैं। ए मोटा मोटे आदमी जब थोड़ा सा यूं हिले ना तो समझ लेना कुछ गड़बड़ कर रहा है, बहुत गैस बनता है इधर। दरअसल इधर मिनरल्स बहुत है, इधर बहुत तरह के मिनरल्स हैं, वो सारे मिनरल्स पानी में मिलकर तुम्हारे पेट में आ जाते हैं और फिर जो गैस बनाते हैं, फिर गैस गैस फिर एसिडिटी, कलेजे में जलता रहता है, फिर सिर भी घूमता, ज्यादा गैस बनती है ना तो सिर भी घूमता है उससे। हाँ बताओ माथा कितनों को दर्द होता है? माथा माथा में कितनों को दर्द होता है जरा हाथ उठाना। मुंडा मुंडा, मुंडा में कितनों को दुखता है? हाथ हिलाओ। माताओं को तो ज्यादा ही होता है, करीब कुछ तो 25% तो हाथ उठाई दिए। क्या तुमको नहीं दुखता? किसी को भी दुखता है ना। ए भी माथा का दुखावा और पेट का गैस, ये दो के लिए, एक तो ये पेट के लिए गैस के लिए और ये अनुलोम विलोम सिर के दर्द के लिए। करो ना एक बार आप भी करके देखो, करो अनुलोम विलोम, बहुत अच्छा है। यह माथे में बहुत दुखता है, इसका माथे के दुखावा का कोई दवाई नहीं, करो। ये तो बहुत अच्छा करते हैं सब। ये 5 मिनट कर लेंगे तो किसी को माथे में दुखावा दर्द नहीं होगा, इतना अच्छा है, स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। किसी को वर्टिगो, किसी को फिर माइग्रेन पेन, किसी को डिप्रेशन, किसी को दौरा पड़ना, किसी को नींद नहीं आना, गुस्सा बहुत आना, आंखों की समस्या, ये पैरालिसिस तक अच्छा कर देता है अनुलोम विलोम, बड़ा जबरदस्त है। आराम आराम से मन एकदम शांत हो जाता है इससे। फिर ये भ्रामरी उद्गीत, ये भी स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, सिर के दर्द के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान, और गले की प्रॉब्लम जिनको हो उनके लिए उज्जायी प्राणायाम भी, भस्त्रिका कपालभाति की बात बताते हैं, ये गले के लिए थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। सुनो आज इलाज के बारे में मैं अंत में बताऊंगा, बीमारियों से भी बहुत परेशान है। और हमारे ऋषि मुनि दो काम विशेष रूप से करते थे, एक शिक्षा देने का काम, दूसरा स्वास्थ्य देने का काम। गौतम कप कणादि महर्षि पाणिनि पतंजलि गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र आदि एक ऋषियों की बहुत बड़ी परंपरा है जिसने भारत ने ही पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, और ज्ञान के साथ साथ पूरा चिकित्सा विज्ञान। देखो एक है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम भी भारतीय ऋषियों की ही देन है पूरी दुनिया को। दूसरा है हेल्थ सिस्टम, इसको बोलते हैं मेडिकल साइंस। एलोपैथी कितने साल पुरानी है?
लगभग 200 साल पुरानी। एलोपैथी कितनी पुरानी है? लगभग तो 200 साल पहले कोई बीमार नहीं होता था क्या? तो फिर इलाज कैसे करता था? जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद से, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से, वेदों से। चिकित्सा विज्ञान का प्रथम प्रणेता महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि आधुनिक युग में। जैसे कहा जाता है ना, कोई चीज पूरी दुनिया को किसने दी? भारत की दुनिया को क्या क्या देन है आप क्या बताएंगे? आयुर्वेद पूरी दुनिया को, आयुर्विज्ञान, नो केवल आयुर्वेद मात्र नहीं, ये तो एक पैथी हो गई। आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस किसकी देन है पूरी दुनिया को? भारत की, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि की, वेदों की। दुनिया की सबसे पहली भाषा क्या नाम है उसका बोलो? संस्कृत भाषा। अरे दुनिया तो 2000 सालों में सिमट जाती है। दुर्भाग्य है कि हम भी ईसा पूर्व